और ब्लॉगर ब्लॉग भी बहुत टाइप के होता है, जैसे कि फूड ब्लॉगर है, लाइफ स्टाइल ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, ठीक है, ब्लॉग बहुत टाइप के होते हैं। तो ब्लॉग होता है जो आप अनुभव करते हैं, जैसे कोई कुछ खाता है उसका अनुभव करता है, उसको साझा करना, लोगों के लिए साझा करना, वही ब्लॉग है। मैं घूमने के लिए जाता हूँ, यहाँ से मैं गया अंबिकापुर, अंबिकापुर गया, आस पास के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो घूमा, वहाँ आया और उसका वीडियो बनाया, उसको शेयर किया, वही ब्लॉग है। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जब मतलब लगभग जब स्टार्टिंग मतलब लगभग 500 साल 600 साल पहले ये ब्लॉग शब्द का हो रहा भी नहीं होगा, पर लोग जो है अपना अनुभव, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, गीता है, महाभारत है, वो कहीं ना कहीं किसी का अनुभव रहा होगा, जो अनुभव किया है वो लिखा है। तो उस टाइम जो है वैसा लिखते थे 2-3 हज़ार साल पहले। उसके बाद जैसे ज़माना आया पत्तियों का, देखे कि पत्तों में भी कुछ लिखा जा सकता है, तो लोग पत्तों में लिखना चालू कर दिए। धीरे धीरे ज़माना बदलते गए, जैसे कि अभी अंग्रेजों का ज़माना है, तो उन लोग लकड़ी को काट के उसमें ये पेपर बनाना स्टार्ट कर दिए, तो वो पेपर में लिखना स्टार्ट कर दिए। 90 का ज़माना आया, तो वो 90 के ज़माने में इंटरनेट आया, तो लोग ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिए, अपना अनुभव जो है ब्लॉग के माध्यम से लोगों के बीच में साझा करते थे। अभी जियो के आने के बाद लोग, पहले तो वीडियो देखना रहता था लगभग 2010 में या 2020 से 2010 के बीच में, तो वीडियो देखना रहता था, 1 GB डाटा मिलता था या 100 MB डाटा मिलता था, उसमें पूरा महीना चलाना रहता था। तो हम उस टाइम पे वीडियो बना के डालना मतलब पॉसिबल था ही नहीं, तो लोग ब्लॉग लिखते थे, पूरा ब्लॉग लिख के कंप्यूटर में उसको अपलोड कर दिए, तो ब्लॉग लिखते थे। अब जैसे ही जियो आया और 2010 के बाद से लोगों के पास इंटरनेट आया, लोग यूट्यूब देखना स्टार्ट किए कि अपना अनुभव जो है ऐसे भी साझा किया जा सकता है, तो लोग जो है अब वीडियोस बना बना के वीडियो डालने लगे। तो उस वही टाइम था जो जियो का 2016 के बीच में, तो फ्री में इंटरनेट मिलते थे हर जगह पर। तो उस टाइम जो है स्टार्ट किए लोग, जो बहुत सारे लोग जो है अपना अनुभव जो है अब वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में साझा करने लगे। तो ये ब्लॉग जो है इस तरह से इसका जर्नी रहा है कि ब्लॉग जो है मतलब अपना अनुभव को दूसरों के बीच साझा करना। अब ब्लॉग के टाइप बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप के ब्लॉग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिस तरह के लोग हैं, मैं उनकी बात करता हूँ कि जैसे कि डेली ब्लॉग बनाते हैं, बहुत सारी बहन हैं वो डेली ब्लॉग बनाती कि उनका डेली रूटीन क्या रहता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं जैसे अपने लाइफ मतलब किसी से इंस्पायर हो गए बनाते हैं, तो वो डेली रूटीन लोग सोचते हैं कि क्या वीडियो बनाया जाए। पहले के लोग जो हैं जैसे लिखते थे ना, तो उन लोग क्या ब्लॉग बनाया जाए, ऐसा क्या ब्लॉग लिखा जाए ये नहीं सोचते थे कि वो डेली क्या कर रहे हैं। कि जैसे डेली उठ रहे हैं, माइंड में आया ये कुछ जो चीज़ें आते हैं, जैसे कि हमको आज ये करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हमें ये करना है, तो वो चीज़ों को भी अपने वीडियो में बताओ कि हम ये कर रहे हैं। सुबह उठे, झाड़ू लगाए, झाड़ू को दिखाइए, बर्तन मांजे, बर्तन को धोने वाला दिखा दीजिए, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, कॉलेज जाने वाले हैं। तो जो हमारी बहन है बिल्कुल इसी तरह से ब्लॉग बनाते हैं, जो अपने लाइफ को बताते हैं एक ब्लॉग के माध्यम से कि हमने ये अनुभव किया। कई बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाता है, कई बार जैसे कुछ अपने अचानक से कुछ दोस्त आ गया, वो सरप्राइज दे दिया, या हमारे कुछ ऐसा घटना हो जाता है जो हम लोगों के बीच साझा करना चाह रहे हैं। कई ऐसे मोमेंट रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश कि घर में कोई न्यू फैमिली मेम्बर आ गया तो उसमें खुश हो गया, या कभी कुछ घटना हो जाता है जिससे दुखी भी होता है तो उसमें हम दुख जाया करते हैं। तो लोगों के बीच अपने अनुभव को साझा करना, यही जो है ब्लॉग कहलाता है। तो डेली ब्लॉग में आप अपना इस तरह से डेली रूटीन को बता सकते हैं, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन्हें अपने डेली ब्लॉग बनाना चाहिए। तो पहले के जो लोग थे ना, वो हर कोई एक पुस्तक लिखता था अपने लिए कि कम से कम ये अनुभव को मैं आगे चल के पढ़ सकूँ या ये अनुभव को जान सकूँ। मेमोरी हमारा दिमाग में इतना सारा चीज़ को स्टोर नहीं करता, पर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना अनुभव को पूरे के पूरे दिन का अनुभव को यूट्यूब में डाल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, एक साइड इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हैं। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और आप सभी को बनाना चाहिए, क्योंकि हर कोई का लाइफ अपने आप में यूनिक है।
बहुत यूनिक है। मैं जैसे जीता हूँ वैसा कोई नहीं जीता, भैया जैसे जीते हैं वैसा कोई नहीं जीता, कोई स्टूडेंट का लाइफ है वैसा कोई नहीं जीता। हर किसी का लाइफ जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत कुछ उन सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। अब सोचेंगे कि हमारा जो वीडियो है वो लोग क्यों देखे, हमारा जो वीडियो है वो लोग देखे क्यों है, हमारे लाइफ में तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। पर वो आपके लिए नॉर्मल है, पर दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। जैसे कि वो अस्तु है, उसके लिए वो नॉर्मल है कि वो बस्तर से यहाँ तक आना, साइकिल चला के आना, उसके लिए वो नॉर्मल है, पर हमारे लिए